कमाल का लैंडमार्क है यार, कब्रिस्तान के पीछे और पीपल के नीचे। भाई तुम गंज डंडवारा जा रही हो तो मैं तुम्हारी पैकिंग कर देता हूँ फटाफट। नहीं 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 नहीं, मेरी नहीं, अपनी पैकिंग करो। मैं क्यों जाऊंगा गंज डंडवारा, फॉर व्हाट? भूल गए तुम? तुम खुद ही तो अपना प्रोफाइल वो खरबूजा ब्रदर्स की कंपनी में छोड़ के आयो। मैं अपना प्रोफाइल खरबूजा ब्रदर्स की कंपनी में छोड़ के आया? मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं, आई डोंट रिमेम्बर अ बिट। तुम्हें क्या याद रहता है विभू? सिर्फ अपने दोस्तों की बदतमीजियां, उनके साथ की हुई आवारागर्दी, काम की चीज तो तुम्हें याद नहीं रहती है। चलो चलो उठो, अपना बैग बांधो और सब कुछ लो और जाओ, गंज डंडवारा जाओ। जाओ यार, मेरी बात सुनो यार, तुम कमाल कर रहे हो यार। बेबी अभी कुछ देर पहले तुम वैलेंटाइन का गीत गा रही थी, अब तुम्हें मेरी नौकरी का भूत सवार हो गया यार। This is absurd. अगर मुझे तुम्हारी नौकरी का भूत सवार नहीं होगा तो तुम जिंदगी भर नल्ले बैठे रहोगे, क्योंकि और किसी को तो चिंता है नहीं तुम्हारी नौकरी की, ना तुम्हारी मॉमी को है और ना तुम्हारे प्रिय चार्ज को है। मैं नहीं जाऊंगा, 14 फरवरी को वैलेंटाइंस है, उसके बाद ही जाऊंगा। अब मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ूंगा वैलेंटाइंस डे के रोज? आई मीन यू विल बी वेरी वेरी लोनली। मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं, तुम अभी जाओगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, फल में प्रलय होगी तो काम करोगे कब? चलो चलो जाओ, पैकिंग करो अपनी फटाफट। भाभी जी के साथ वैलेंटाइन मनाना था, इस औरत ने भांजी मार दी बीच में। खैर, आई एम ऑल्सो हार्ड नट टू क्रैक। यार ठंड है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही है, फरवरी का महीना खत्म होने वाला है, कोहरे की वजह से बस भी लेट हो रही है। किसी रिक्शा टैक्सी वाले से बात करते हैं। अरे भाई साहब सुन, तिवारी जी। अरे भभूति जी। ओ, मतलब बैल फंस गया मेरे जाल में, मुझे लग रहा है कि ये अंडमान निकोबार जा रहा है। आप कहाँ को निकल लिए सुबह सुबह इतनी ठंड में? नहीं, हम तो अपने काम धंधे के लिए अंडमान निकोबार जाना पड़ेगा। क्या है कि काम धंधे में जब हम जाते हैं तो हम सर्दी गर्मी बरसात कुछ नहीं देखते। आप ठहरे नल्ले, आपका क्या काम धाम? खैर वो सब छोड़िए, ये बताइए कि कहाँ चल दिया याशी करने? याशी करने नहीं जा रहे हैं। हाँ, हम भी बड़े इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, गंज डंडवारा जी। ओ, इसका मतलब है कि बकरा फंस गया हमारे जाल में। तिवारी के बच्चे बड़ा चालाक बनता है ना। अब बेटा अंडमान निकोबार की सैर जाके कर, अब मैं मौका देखकर गंज डंडवारा से भागकर भाभी जी के साथ वैलेंटाइन डे मनाऊंगा। क्यों बे विभूति के बच्चे, बड़ा शाना बनता है ना, कैसा उल्लू बनाया तुझे। अब तो घूम गंज डंडवारा की गलियों में और हम जल्द से जल्द अंडमान से ऑर्डर लेकर भाभी जी के साथ वैलेंटाइन डे मनाने आ जाएंगे। तिवारी जी, अंडमान निकोबार बड़ी अच्छी जगह है, वहां पे एक सेलुलर जेल है, वो जरूर देखिएगा। मैं तो राय देता हूँ वहां कुछ दिन रह के आइएगा, विल गेट द हैंग ऑफ इट। आप भी गंज डंडवारा खूब अच्छे से घूमिएगा, बहुत सुंदर शहर है। या, या। हम तो कहते हैं वही बस जाइएगा। कहाँ को जा रहे हो तिवारी भैया? तुम भी कहीं निकल लिएगा? निकल लिएगा क्या मतलब है बे? काम के सिलसिले में जा रहे हैं आउट ऑफ कानपुर। सुनो ये क्या इशारे कर रहा है? अरे 2 मिनट आओ मेरे साथ में। अबे कहाँ ले जा रही है? आओ यार 1 मिनट, 2 मिनट के लिए साथ में चलो। कहाँ ले जा रहा भाई तू? अंदर की बात है, आओ बताता हूँ। अरे आओ यार, एक मिनट। हाँ बता, क्या कहना चाह रहा था? भैया एक बात सुनो, आप कहीं बाहर जा रहे हो क्या? वो क्या, अंडमान निकोबार? तो ये कैसे बता बे कि मैं गंज डंडवारा जा रहा हूँ? क्योंकि मैंने खुद तिवारी सेठ को तुमसे फोन पे बात करते हुए अपनी आंखों से देखा है और इन कानों से सुना है। क्या सुना बे? यही भैया कि बुबू तो भैया फोन पे बातें कह रहे थे, आपको बेवकूफ़ बना रहे थे कि अंडमान निकोबार है ना, वो फालतू की बातें सब, ये बेकार है, बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको। तो तू ये कहना चाह रहा है कि वो फोन भभूति जी ने हमें किया था? यस yes. अरे हाँ हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, लेकिन विभूति सेठ बहुत टाइम से पैसे को नहीं देखा इन आंखों से, मतलब बहुत बड़े वाले कसम, बहुत कंजूस आदमी है भाई। इसका मतलब ये हुआ कि तिवारी का बच्चा मेरे खिलाफ
साजिश रच रहा था, मुझे यहां से भगा देना चाहता था कि ये भाभी जी के साथ सुकून से वैलेंटाइंस डे मना सके। लेकिन मैं ऐसा होने दूंगा नहीं। अब रिश्ता ले, ये ले 20 रुपए। इसके क्या करूं, बत्ती बना के पीछे वाली जेब में घुसेड़ ले। अगली बार है ना विभूति भैया को संपर्क करूंगा। अबे जा यहां से। बबूती, तू भाभी जी के साथ वैलेंटाइन डे मनाए, ये मैं होने नहीं दूंगा। बबूती, ये क्या साजिश रची आपने हमारे खिलाफ? यही अल्फाज मैं लानत में लपेट कर आपके मुंह में मारता हूं, एक बार नहीं कई बार मारता हूँ। क्या घटिया हरकत करी आपने? आप मुझे गंज ढूंढवारा क्यों भेजना चाह रहे थे? वो तो हम आपको आपके फायदे के लिए भेज रहे थे गंज ढूंढवारा। मेरे फायदे के लिए? जी बिल्कुल। कैसे फायदे के लिए बताइए जरा। एक बात बताइए, आप भाभी जी के साथ वैलेंटाइन डे मनाते तो क्या करते? आपको कर्जा लेना पड़ता ना, क्योंकि भाभी जी को तो महंगे गिफ्ट चाहिए होते हैं। तो ऐसे में क्या करते आप बताइए, क्या करते? क्या करते? कर्जा लेते या फिर जुआ खेलते? आपको इस झमेले से हम बचाने के लिए हमने जो है ये सब नाटक रचा, और आप हमें मतलब हमारा धन्यवाद करने के बजाय हमें तो तोहमत दे रहे हैं। ये सब कुछ था तो फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर हम आपको बताते तो आप विश्वास नहीं करते ना। लेकिन एक बात बताइए, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? बताया क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? जरा सोचिए, जरा सोचिए। भाभी ने डिमांड की थी आपसे एक एमरल्ड के नेकलेस की, जिसकी कीमत 75,000 रुपीज थी। कुल्लू मनाली, गोवा और अपना क्या कहाँ जाने वाले, शिमला, ये ट्रिप की डिमांड करी थी आपने। तो क्या आप उनकी ये डिमांड्स फुलफिल करने वाले थे? टेल मी, यू टेल मी, नो टेल मी नाउ। शायद नहीं नहीं नहीं, मुझे मालूम था आपकी औकात यही है, इसीलिए मैंने ये सब नाटक रचा। मुझे थैंक यू बोलने की बजाय आप एटीट्यूड दिखा रहे हैं मुझे यार। थैंक यू भगवती जी, इट्स ऑल राइट। भाई तो बोल रहे ना तुमको भूरी, का होता है ना कि शादीशुदा जिंदगी में जब पति का प्यार पत्नी के लिए कम हो जाता है ना तो बहुत उथल पुथल होता है, जिंदगी नीरस हो जाता है। हमको तो लगता है कि लड्डू के भैया के मन में हमरे लिए कछु ग्लव ही नहीं है। अरे तू लव कहना चाह रही है बेटा? ऐसे ही पकड़े हैं। अच्छा सुनो भूरी, तुमको कॉल करते हैं। बाय बाय। प्रणाम करे चाचा जी। जीती रहे, खुश रहे, खुश रहे। का जीते रहे, का खुश रहे, हमरी तो खुशियों को जैसे किसी का नजर ही लग गया है। अरे तू ऐसा क्यों कह रही है? का है ना चाचा जी कि लड्डू के भैया के साथ इंटेस्टाइन बनाने का हम कौन वैलेंटाइन ऐसे ही पकड़े हैं। हम वो मनाने का प्रोग्राम बनाए थे लेकिन लड्डू के भैया को कोनो दिलचस्पी नहीं है। ये तो बड़े खराब संकेत हैं। सुन, अगर ये काफी लंबे समय तक चलता रहा ना तो मुझे लग रहा है फिर तलाक तक की नौबत आ जाएगी। नहीं नहीं, तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले बेटा, मेरे पास उसका इलाज है। हाँ? आपका हकीम है? नहीं। ओझा है? ना ना ना। रेपिस्ट है? सही पकड़े हैं। अरे तू अगर ऐसे बोलेगी सब तो एक दिन हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे। मैं दूरदर्शी हूँ, लंदन में ना मैं भूतों और आत्माओं के संपर्क में आके उनसे बातें किया करता था। हाँ, एक सेंट क्यूपिडोनो है, बहुत बड़े वाले हैं। का? प्रेम पुजारी। अब कई ऐसे प्रेम प्रसंग जिसमें ऐसी गड़बड़ होती है ना उसे हल कर देते हैं। अब जैसे तेरा और कच्चा बनियान का ये प्रेम प्रसंग है ना थोड़ा गड़बड़, इसे भी वो हल कर देंगे। हाँ तो करवाइए ना चाचा जी। तो ठीक है, मैं सेंट क्यूपिडोनो से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ और तुझे 2-3 घंटे पहले बता देता हूँ, बस तेरा मामला सेट। चाचा जी आप बहुत अच्छे, सच्ची सच्ची, हम तो कहते हैं आप पुरुष ही नहीं है। क्या कह रही है तू? आप महापुरुष है। हाँ चल, तूने बोल दिया नहीं तो फिर से तारीफ किए रहे आप।
आपका। ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू। वो हम भूरी को बता देते हैं, सब ठीक होएगा बा। मौज कर तू। अब भूरी हाँ, उसका है कि हाँ सुन खाच, तेरे चाची ने तेरा मामला सेट कर दिया है। क्या कहा? तू दुबई जा रही है वैलेंटाइन्स डे मनाने? वाह कमाल है यार, मीनल तो बहुत लकी है जो तुझे इतना भोंदू सीधा साधा पति मिला है ना अनुराग जैसा। वरना यहाँ कहने ही क्या, विभू को देख लो, उसे ये तक याद नहीं है कि वैलेंटाइन्स डे कब है। मनाना तो बहुत दूर की बात है। क्या तो दुबई से सीधा स्विट्जरलैंड जाएगी? हाँ भाई जाओ जाओ, तुम्हारी ऐश है, करो ऐश। भाभी जी घर पर हैं? चल मैं बाद में फोन करती हूँ, पड़ोसी आए हैं। आइए आइए तिवारी जी। क्या पता, बड़ी व्याकुल सी लग रही हैं भाभी जी। तिवारी जी, जब किसी रोमांटिक लेडी का हस्बैंड बिल्कुल अनरोमांटिक हो वो भी वैलेंटाइंस डे के मौके पर, तो उसका व्याकुल होना तो स्वाभाविक है ना। हाँ भाभी जी बात तो सही कही है, लेकिन आप एक आवाज तो दीजिए, चारों तरफ नजरें तो घुमाइए। भभूति जी रोमांटिक ना सही, हम तो हैं। किस लिए? किस लिए देखती हो आईना, तुम तो खुद से भी खूबसूरत हो। किस लिए? अब भाभी जी हम रोमांटिक हैं, अब किस लिए हैं ये तो। किस लिए आए हैं मैंने पूछा। किस लिए आए हैं, किस लिए आया बे? हाँ भाई जी, क्या है कि हमसे ना आपका दुख नहीं देखा जाता। कौन सा दुख? अब देखिए ना, भभूति जी आप पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, उनको वैलेंटाइन डे का दिन तक याद नहीं है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं तिवारी जी? कराने को तो आपको जन्नत की सैर करा सकते हैं। तिवारी जी आपके होंठ क्यों फड़फड़ा रहे हैं, जोर से बोलिए। भाभी जी क्या है कि हमारी नजर में एक टैरो कार्ड रीडर है, बहुत अच्छे पत्ते देखता है, आपके सारे पत्ते खोल देगा जी। मतलब है आपके और भभूति जी के मध्य संबंधों को मधुर करने में मदद करेगा, ऐसे कार्ड देखता है। नहीं नहीं तिवारी जी, मैं ना इन सब चीजों पे यकीन नहीं करती। भाभी जी एक बार हमारी बात मान लीजिए, उससे मिल लीजिए एक बार। कहाँ मिलेंगे वो? बस हम अभी लेकर आते हैं आपके यहाँ, यही मिल जाएंगे। चीयर्स तिवारी जी, चीयर्स चीयर्स चीयर्स। हमने आजकल पीना थोड़ा कम कर दिया भभूति जी। वैसे भी आप मुफ्तखोर आदमी हैं, आपका पीना ना पीना एक ही बात है, कोई पार्टी मिली तो पील दी, नहीं तो नहीं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम अगर पीते हैं तो फिर पिलाते भी हैं। ऐसे मौके बहुत कम आते हैं, वंस इन अ रेड मून। मौका तो आया हुआ है जनाब, ये जो आप पी रहे हैं ना, ये आप हमें नहीं पिला रहे, हम आपको पिला रहे हैं ये। अब जब 15 दिन तक अंधेरा छाया रहता है तो एक महीने के बाद पूर्णमासी आ ही जाती। भाई हमारी पूरनमासी तो एक महीने में आ ही जाती है, लेकिन आप जैसे लोगों की पूरनमासी तो महीनों नहीं आती, और आएगी भी या नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी भी नहीं होती। तिवारी जी मुझे आज तक आपका करेक्टर समझ नहीं आया कि करेक्टर है क्या आपका। सच कहें भभूति जी तो हमें भी आज तक आपका चरित्र समझ में नहीं आया। आपके चरित्र पर एक कहावत बड़ी सटीक बैठती है। कौन सी कहावत? तिर्या चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्यता। यानी कि आपके चरित्र के विषय में बात करें तो भभूति जी चरित्रम देवो न जानाति। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्या है कि आपका जो चरित्र है ना, ये बड़ा दिलचस्प है। अगर कभी हमें मौका मिला तो हम इस पे पुस्तक लिखना चाहेंगे, अगर आप मौका दे तो। जरूर देंगे मौका आपको जी, अगर आपकी औकात है कि आप हमारे करैक्टर को समझ के उस पे किताब लिख सके तो हम मौका देंगे आपको, क्यों नहीं, जरूर देंगे। अच्छा एक मिनट, तो कोई क्या बात है, चलिए अब कोई अद्भुत सा वाक्या सुनाइए भभूति जी। अरे अरे तिवारी, हमारे साथ तो बड़े बड़े ऐसे अद्भुत वाकयात हुए हैं। यू नो अनु को ना अपने डैड के करेक्टर पे बड़ा यकीन था। अच्छा। बड़ा नाज था। एंड शी यूज्ड टू टेल मी कि मेरा बाप जो है, मतलब माय फादर इज अ वेरी क्लीन मैन। मैं शर्त लगा ली उससे, मैंने कहा तुम्हारा जो डैड है ना, ठरके और चालू है। इस बात को मानने को तैयार नहीं था। मैं ले गया अनु को लव गार्डन, वहां पूरा
प्रायोजित कार्यक्रम दिखा दिया। अच्छा क्या प्रायोजित कार्यक्रम था? नहीं तो नहीं, अन्नू के जो डैड है ना, अपनी डायटिशियन की गोद में सर रख के मोहब्बत की पिंगिया बढ़ा रहे थे। अनु ने देखा और बेहोश हो गई वहीं पर ही फ्लैट। क्या बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग घटना रही है। ओह गॉड, देखिए प्लीज। हाँ क्या? ये अनु को बोलेगा मत, ये बात मुझको पता है और अनु को पता है। क्या बात कर दी आपने, बोलिएगा मत। अरे हमारा कहने का मतलब ही नहीं है, कमाल है। अच्छा कोई और कोई घटना सुनाइए ना, और कोई घटना। हाँ याद आया, यस यस यस, आई रिमेम्बर, याद। एक बार अनु के डैड ने ना मुझे अनु की पार्टी में से बेइज्जत करके निकाला था। ओहो, यू नो क्या पूछ रहे थे मुझसे वो, कि महीने में तुम्हारी कितनी सैलरी है जो मेरी बेटी को खुश रख सकते हो। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की साड़ी की उतनी कीमत होती है जितनी तुम्हारे पूरे साल भर के राशन की। ये बात मेरे मुंह पे कही है उसने, और कह के मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। आई हेट दैट मैन, चक मी आउट। तो मतलब बड़े घमंडी टाइप के इंसान। घमंडी, अंडरस्टेटमेंट, बहुत ही घमंडी, बड़ा ही रूखा सूखा सा आदमी है, मुझ पे ताव देता रहता है, ऐसे सफेद हो गई फिर भी। अच्छा उनकी मम्मी कैसी थी? नहीं मम्मी नहीं, मम्मी नहीं, मम्मी बहुत सीधी, बहुत सीधी, साक्षात लक्ष्मी है मम्मी। एक बार अन्नू की मम्मी ने उसके डैडी को रंगे हाथों पकड़ लिया। कितनी बार रंगे हाथों पकड़े गए हैं? हर साल में एक बार पकड़े जाते थे। एक्चुअली हुआ क्या कि अन्नू की जो मॉम है ना, बिना बोले डैड के ऑफिस पहुंच गई। उसके कैबिन खोला तो सामने देखा कि सेक्रेटरी डैड की गोद में लेटी हुई है। सीधा सिनेरियो देखे, सिनेरियो देखे, तो अब उसे डैड शक पका गए। कहने लगी वो एक्चुअली क्या है कि वो मैं ना इसको डिक्टेशन दे रहा था। मतलब अन्नू की मॉम ने उस सेक्रेटरी को गोद से उतारा नहीं। बाबा ना मैं क्या बोलकर गई है कि सॉरी टू डिस्टर्ब यू, या ये बोल के बाहर निकले। मतलब बोड़म पने के मामले अंगूरी से कम नहीं थी। दो हाथ आगे, दो हाथ आगे। तेलो, इतने देर से मैं शोरूम के बाहर क्यों खड़ी हूँ? तुम्हें क्या लग रहा है मैं यहाँ पे टाइम पास करने आई हूँ? टाइम पास और तुम कभी नहीं। टिल्लू तो तुम्हें आज सरप्राइज देने के लिए लाया है रूसा जान। ओए, अच्छा तो इसका मतलब है ये जो ललन लॉली का शोरूम मेरे नाम करने वाले हो? क्रेडिट कार्ड ने चाहा तो। किसने चाहा तो? ऊपर वाले ने चाहा तो ये ललन लॉली गारमेंट्स
टिल्लू तुम्हारे नाम कर देगा एक दिन। रियली? तुम ना ये लंबी 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 फेंकना ना बंद करो और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। एक मिनट रोसा रोसा जान, कैसी बातें कर रही हो? टिल्लू की बात को समझने की कोशिश करो। दिल की बात सुमीर रोसा, कहाँ को जा रही हो तुम? वेयर आर यू गोइंग? ये सारे कच्चे बनिया ने कछु बोलोगे? ओए लो जी, एक कम था टाइम पास करने वाला, एक और आ गया हेड ऑन। मैं कोई टाइम पास वाइम पास ना करो। सुनो, मेरे साथ अंदर चलो, तुम्हारे लिए एक स्पेशल सरप्राइज हैगी। सरप्राइज? या रियली? कम ऑन रबाबा पी बबाबा तेरा टटली जा। ये कंगला और सरप्राइज? ना ना, बात डिमांड की नहीं है, रख दो। अरे यार, हमारे पास कौन क्रेडिट कार्ड नहीं है कि घुइयां ले आ दो आज, फिर लहसुन ले आ दो, फिर वो झुमका जो कंगन है, हमें गवर्नमेंट ने का क्रेडिट कार्ड दे रखो है, हमें नहीं लेने, हमें लेनी नहीं है ना, तुम समझना नहीं। ए तुम हमारी बात समझो, देखो क्रेडिट कार्ड रखने से क्या होता है, फिर बैंक वाले सारे ब्याज पे ब्याज ब्याज पे ब्याज पीलते हैं खोपड़िया पे, और फिर खोपड़िया हमारी चकराती है, समझ रही ना? का ना ना, कमिश्नर की बात ना करो, कमिश्नर की तो सारी अंधी कमाई है, वो सारो अगर एक दिन में 5 लाख रुपया की भी अपनी लुगाई को शॉपिंग करा दे गुना, तो बाको गोइया फर्क नहीं पड़ता, तुम हमारी तो समझो। हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैन साहब, जय हिंद। और मनोहर, तुम यहाँ क्या चाय पीने के लिए आए हो? कचल्ला हुए जो जैन कर। जय हिंद साहब। हापू सिंह, क्या कह रहे थे तुम? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? मेरी तो अंधी कमाई है, लेकिन तुम मुझे क्या बताओगे कि ये मेरी अंधी कमाई कहाँ से आती है? क्या मैं तुम्हारी तरह रिश्वतखोर हूँ? क्या मैं करप्शन करता हूँ? तो ना ना साहब, हम असल में जो मतलब ना, तो तुम्हारा मतलब मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, जिस तरह से तुम खुद न्योछावरखोर हो, दूसरों को भी उसी तराजू में तोलते हो। लेकिन सर, मैंने कभी आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा। शट अप मनोहर, तुम भी कुछ कम नहीं हो, इस आदमी की हाँ में हाँ मिलाते हो। सर, ये आदमी मुझ पर प्रेशर डालता है सर। एक मिनट, मेरा कुछ मैसेज आया है। ओह माय गॉड, इस कमबख्त ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पूरे 40,000 रुपए की शॉपिंग की है अभी अभी। अभी? आप लोकेशन बताओ, अब हम तब पूछेंगे बाको। नहीं, आप लोकेशन बताओ। नहीं 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 नहीं, नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, रुको रुको, वेट करो वेट करो। आर यू स्टिल प्लेइंग विद देम सर? मनोहर, तुम अभी बच्चे हो, नहीं समझोगे। मैं इंतजार करता हूँ कि कम से कम वो 5 लाख रुपए की शॉपिंग करें। टिलू, पता है टीका ने ना मुझे 40,000 का गिफ्ट दिया है। I mean, I am loving it. My pleasure. Love you. Excuse me. एक मिनट, टीका महोदय इधर आएंगे आप? कितने की शॉपिंग करा के लाए तू? 40,000 bucks। साले बतनिया के जितना तेरा हक है ना इसपे, उतना मेरा भी हक है। उतना भी खा रही है। रूसा जान, मैं क्या सोच रहा था कि आप मेरे साथ चलिए अंदर, फिर बताता हूँ मैं आपको क्या क्या दिलाता हूँ। बहुत सरप्राइज है। One more surprise? Yeah. Let's go. साहब, आपकी कार्ड की लिमिट कितनी है? मैं कौन हूँ अपू सिंह? झूलती मीनार। हम मतलब जशहर के कमिश्नर, आप हैं कमिश्नर हैं? मैं कमिश्नर हूँ, मेरे कार्ड की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, समझे? सर, लेकिन बाको बगी के लट को दबोचने की तो कोई लिमिट होगी कि कितने पैसा खर्च हो जाएंगे तब आपको पकड़ोगे ना बाको? ये फिर से बजा, फिर चूना लग गो। ओह माय गॉड, पूरे 50,000 रुपए की शॉपिंग की है अभी अभी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इसने। 50?
ये कमबख्त तो अंदर जाएगा ही, इसकी गर्लफ्रेंड भी अंदर जाएगी। जो रेशम बला तो मूर्ख बनने के लाने ही पैदा भाव ससुर, जैसे अच्छो तो जो हो तो कि जो क्रेडिट कार्ड हमें मिल जाए तो दादा मजा आ जाता। का सोच रहो? जो आप सोच रहे हैं। Oh God, this is amazing. कैसे तुमने इतना अच्छा सोचा? Thank you so much, guys. तुम दोनों आज full form में नजर आ रहे हो, क्या बात है? पता है टीका, तिल्लू तुमसे 10,000 रुपए आगे निकला है, मुझे पूरे 50,000 का ये amazing gift दिया है। दोनों gift, wow. चिंता मत करो रूसा, तिल्लू तो तुम्हें बहुत आगे लेके जाएगा, सितारों से आगे लेके जाएगा। आओ तुम मेरे साथ चलो। I'm so happy यार। This is so amazing man. अरे लेके जाओ, वो सारे गड्ढे खोद दूंगा, कब्र खोद दूंगा तेरी मैं।